अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 20, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है, हम उसकी एक एग्जांपल करेंगे ताकि आप लोगों को क्वांटिटीज को निकालने का न्यूमेरिकल तरीका आ जाए। दूसरा हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक देखना है, वो होगा हमारे पास, वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का जस्ट एक रिव्यू, कि हमारे पास जो लीनियर मोशन है, जो कि हमारा चैप्टर का मेन हिस्सा है मोशन का, उसके अंदर जो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं, हम लोगों ने उनको कैसे अप्लाई करना है, वो है क्या इक्वेशंस, उनको रिव्यू करना है, और उसके बाद हम लोगों ने उनको फाइंड करना है कि कैसे कहाँ के ऊपर अप्लाई करें उस चीज़ को, या फिर हम लोग उस और इसके अलावा भी किस जगह के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 के अंदर आखिरी टॉपिक था। हमने उसी तरह का एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया था, जिसके अंदर हमारे पास वाई एक्सिस है और हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर हमारे पास अंदर टाइम दिया हुआ है, डिफरेंट इंस्टेंट है, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड, और ये जो ग्राफ है ये 20 से पहले लेट से 19 सेकेंड के ऊपर टर्मिनेट हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी है वाई एक्सिस के ऊपर मीटर पर सेकेंड में, तो हमारे पास दो वैल्यू है 10, और ये जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी की आ रही है। अब हम लोगों ने तीनों चीजें जरा चेक करनी है कि हमारे पास वेलोसिटी कैसे निकालें इंस्टेंटेनियस या एवरेज, इसके अलावा हम एक्सेलरेशन कैसे निकालें, और इसके अलावा हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, 0 से लेकर 19 तक हमारे पास कितना डिस्टेंस बॉडी ने तय किया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग नंबर 1 वेलोसिटी से। अब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप लोग जरूर पूछेंगे कि हम किस इंस्टेंट के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं। हमारे पास 0 से लेकर 19 तक 19 तरह के इंस्टेंट्स आ रही हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन टू 19 सेकेंड। कोई भी इंस्टेंट ले लें, लेट से हमारे पास 15 सेकेंड ले लें, या हमारे पास लेट से 3 सेकेंड ले लें। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि ये अगर 5 सेकेंड है, तो लेट से हमारे पास 3 सेकेंड रफली यहाँ पे आ रहा होगा, और 3 सेकेंड के ऊपर अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, तो मेरे पास क्या करना पड़ता है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ऊपर तक, जहाँ पे ग्राफ से इंटरसेक्ट करते हैं, उधर से वाई एक्सिस की तरफ बढ़ जाना है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे जाके मेरी वैल्यू आ रही है लेट्स से 10 और 20 के दरमियान में, तो अगर यहाँ पे हमारे पास तकरीबन रफली 15 बनता है, तो यहाँ पे तकरीबन 12 बन रहा होगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हमारे पास एट द इंस्टेंट ऑफ 3 सेकेंड आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। अगर हम लोगों ने लेट्स से एवरेज वैल्यू निकाली है, तो कोई से दो पॉइंट डिस्कस कर लें, यानी कि लेट्स से 0 और 5 के दरमियान में एवरेज वैल्यू क्या है, कोई से भी दो पॉइंट लेने हैं ना, तो एवरेज वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, दो पॉइंट है, एक 0 वाला और एक 5 वाला, तो मैं दोनों की एवरेज वैल्यू फाइंड करूंगा। 0 पे जैसे कि आप ग्राफ पे देख सकते हैं, 0 पे ये ओरिजिन के ऊपर ही पड़ा हुआ, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही है, और 5 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 20, और एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास 0 और 5 के दरमियान में एवरेज है, इसका एवरेज वेलोसिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस हुई। तो ये हमारे पास पहली चीज थी कि हम इस ग्राफ की मदद से किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में एवरेज, या किसी भी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ग्राफ से कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। सेकेंड चीज होती है हमारे पास के एक्सेलरेशन, और हमने कहा था कि इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे बाय फाइंडिंग द स्लोप। बेसिकली एक्सेलरेशन जो होती है वो हमारे पास होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और डेल किसी भी चीज़ का हो, हमारे पास होता है उस चीज़ की फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज़ की इनिशियल वैल्यू। टाइम का भी होगा तो टाइम की फाइनल वैल्यू माइनस टाइम की इनिशियल वैल्यू। लेट्स से मैं देखता हूँ कि एक्सेलरेशन कहाँ पैदा होती है, एक्सेलरेशन वहीं पर पैदा होती है जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो हो रही है 0 से लेकर 5 तक इंक्रीज हो रही है, फिर 5 से लेकर 15 तक कांस्टेंट रहेगी, 20 पर टिकी रहेगी, और फिर 15 से लेकर 19 तक हमारे पास ये डिक्रीज होगी 0 तक। तो हमारे पास दो जगह पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, 0 से लेकर 5 तक और 15 से लेकर 19 तक। इस सब के दौरान वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट 0 होती है, हमें निकालने की जरूरत नहीं 5 से लेकर 15 तक, बिकॉज इसके लिए एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी देखें एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट आ रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं पहले 0 से लेकर 5 तक। तो यहां से मेरा काम स्टार्ट हुआ और यहां पे मेरा काम एंड हुआ, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो
देखता हूँ अगर मैं ग्राफ से, तो मेरा फाइनल टाइम क्या है 5 और इनिशियल टाइम क्या है 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 0। इसी तरह मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 पे 0 है और फाइनल पे 20 है, तो 0 पे 0 है और 5 पे 20 है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 से लेकर 5 तक हमारे पास इतनी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हुई है। और क्यों, हमने कहा था कि वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। तो देखें कि वेलोसिटी कहाँ से जा रही है, 0 से 20 तक जा रही है, तो इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन भी देखें हमारे पास पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम लोग 15 से लेकर 19 तक, तो वही फार्मूला वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होती है यहाँ से और ख़त्म होती है यहाँ पे, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट के ऊपर मेरा टाइम क्या है 15 और फाइनल के ऊपर मेरा क्या है 19। इसी तरह फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और इनिशियल पे कितनी है मेरी, इनिशियल में मेरी 20 है, तो ऊपर आ जाएगा -20 नीचे रह जाएगा 4, तो मेरे पास जो इसका जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखें वेलोसिटी 20 से 0 में जा रही है मतलब डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी देखें हमारे पास नेगेटिव आएगी, तो व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ये हमारा दूसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन। अब हमारे पास काफी बात रह जाती है कि डिस्टेंस कवर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। हमने कहा था कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से लेकर 19 एंड तक हम क्या करते हैं एरिया फाइंड कर लेते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो किसी भी दो इंस्टेंट के दरमियान फाइंड कर देते हैं, हो सकता है वो कह दे कि सिर्फ 15 से लेकर 19 तक करो, तो 15 से लेकर 19 तक करना तो फिर जस्ट ये एरिया फाइंड करना ट्राइंगल वाला फार्मूला लगा देना इस पर, अगर के 5 से लेकर 15 तक तो जस्ट इस रेक्टेंगल का फाइंड करना। हम टोटल फाइंड करते हैं तो हम सारा 0 से लेकर 19 तक सारा जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो फाइंड करते हैं, और इसमें हमारे पास देखा जाए तो 2 ट्राइंगल्स आ रही हैं और 1 रेक्टेंगल आ रही है, तो मैं इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के तीनों को जमा कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया मेरे पास टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राइंगल ऑफ टोटल डिस्टेंस जो है वो एरिया ट्राइंगल 1 का, ट्राइंगल 2 का और जो रेक्टेंगल आ रही है उसका। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस × हाइट, 1/2 बेस हाइट, 1/2 बेस हाइट और लेंथ बाय विड्थ अलग अलग पुट करेंगे, तो 1/2 पहले ट्राइंगल का है। इसकी बेस कितनी है आपको पता है 0 से लेकर 5 तक 5 सेकेंड बनते हैं, तो 5 सेकेंड इसकी बेस है, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट आपको डायग्राम से नजर आ रहा है 0 से लेकर 20 तक इसकी 20 हाइट है 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगले ट्राइंगल की बात करते हैं तो 15 से लेकर 19 तक 4 सेकेंड बने, तो इसकी जो बेस है वो हमारे पास 4 सेकेंड और इसकी जो हाइट है वो हमें नजर आ रहा है अगेन 20 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह हमारे पास जो बीच में रेक्टेंगल आ रही है उसकी जो लेंथ है, जैसे ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो 5 से लेकर 15 तक 10 सेकेंड बने, तो हमारे पास ये आ जाएगी 10 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो इसकी हाइट है वो अगेन 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20। अब ये चीज हमारे पास क्या बच जाएगी, ये हमारे पास बच जाएगा 50, ये हमारे पास बच जाएगा 40 और ये हमारे पास बच जाएगा 200, तो ये टोटल बन जाएगा 290। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, हमारे पास 0 से लेकर 19 सेकेंड तक 290 मीटर इस बॉडी ने तय किया अकॉर्डिंग टू दिस वेलोसिटी ग्राफ। सो देखा हम लोगों ने कि एक अच्छी तरह लेबल हुआ हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसी हमें मिला है, हमने तीनों तरह की क्वांटिटीज इसके अंदर जो हमने टॉपिक में पढ़ी थी उसी तरीके से हम लोगों ने उसको यहाँ पे फाइंड आउट भी कर लिया। सो ये हमारे पास एक दफ़ा एलेबरेट हो गया, ये एग्जाम्पल आपके टॉपिक के बिल्कुल बाद में दी गई है, तो आप लोग बुक से भी देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। पहले आप यहाँ से इसको अच्छी तरह समझना और उसके बाद खुद सॉल्व करना, और खुद करोगे तो करनी आएगी, सिर्फ देखने से आपको समझ नहीं आएगी, आपको एक दफ़ा हाथ से करनी भी पड़ेगी इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल थी। आखिरी जो चीज़ आती है हमारे पास वो आ जाती है हमारे पास रिव्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, और जस्ट हमने रिव्यू करना है, हम लोगों ने इनको डिराइव नहीं करने लग जा रहा बैठ के,
हम लोगों ने जस्ट लिखना है कि क्या होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो हमारे पास तीन तरह की इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन है। एक है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। दूसरी होती है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम। इसी तरह तीसरी होती है हमारे पास 2as is equal to vf square minus vi square, acceleration, distance, velocity, final and initial velocity। हर एक equation of motion में देखें तो हमारे पास चार variable आ रहे हैं, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, इसी तरह एक दो तीन और चार, ये हमारे पास हर एक equation में चार variable आ रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा ना लीनियर मोशन का, तो इनमें से चार में से हमारे पास तीन वेरिएबल नहीं होंगे। हो सकता है आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया और फाइनल वेलोसिटी पूछी हो, तो जारी बात आपको पता चल जाएगा कि ये तीन वेरिएबल दिए हुए, ये चौथा पूछा हुआ तो मुझे पता होगा कि मैंने पहली क्वेश्चन लगा दी। इसी तरह इसी क्वेश्चन में से आने वाले तीन वेरिएबल दिए हुए, चौथा फाइंड करने को बोला हुआ है। इसी तरह इसी क्वेश्चन में से आने वाले तीन दिए हुए और फोर्थ फाइंड करने को बोला, तो आपको पता चलना चाहिए इन इक्वेशन के मैंने कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई करनी है और उसको जो वेरिएबल है उसको कैसे यहाँ पे मैथमेटिकली अलग करना है हमारे पास। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आपको जुबानी याद होने चाहिए, तीनों की तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के अंदर लाजमी इस्तेमाल होगी। तो आपको ये जुबानी याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन से तीन वेरिएबल दिए हुए और चौथा कौन सा पूछा हुआ है और उसके मुताबिक मैं कौन सी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो ये जस्ट हमारे पास इन तीनों इक्वेशन का एक छोटा सा रिव्यू था। अब हमारे पास एक लीनियर मोशन की एक और किस्म होती है, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन होती है हमारे पास कि बस एक चीज को गिरने के लिए छोड़ दो और वो गिरती रहे, और जाहिर बात है जब भी आप छत से कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो एक स्ट्रेट पाथ में गिरती है। अगर मैं इस मार्कर की भी बात करता हूँ, जो बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसको भी अपने हाथ से ऊपर से नीचे गिराता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन में आता है। तो जो भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है। तो ये जो फ्री फॉल मोशन हुई है, मैंने इसको गिरने के लिए छोड़ दी है, तो ये भी हमारे पास क्या हुई, एक तरह की लीनियर मोशन हुई। तो जो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन है मैं वो इधर अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, हमने एक्सेलरेशन की जगह पे फ्री फॉल एक्सेलरेशन पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। मैट्रिक तक आप इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेते आए हैं, लेकिन अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी एक्यूरेट लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं इसको 1 डेसिमल फिगर तक एक्यूरेट लिख रहा हूँ, हालांकि इसके जो डेसिमल फिगर्स हैं इशारे के बाद जो आने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो मजीद होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड आइंदा से फर्स्ट ईयर की किताब के अंदर यूज़ करनी है। तो जस्ट आप इन इक्वेशंस के अंदर ए की जगह पे जी पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू जी टी स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास टू जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो हमारे पास फ्री फॉल मोशन भी एक तरह की लीनियर मोशन है। जो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन है वो एज इट इज अप्लाई उधर भी हो सकती है, जस्ट एक्सेलरेशन जो है उसकी जगह पे हम लोग जी पुट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू हमेशा 9.8 ही रहती है। जो भी चीज़ ऊपर से गिर रही है, चाहे वो कोई छोटा सा मार्कर है या बड़े से बड़ा एरोप्लेन है, जब भी वो नीचे गिर रहा होता है तो हमारे पास अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उसकी नीचे गिरने की जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। ये जरा करेक्ट कीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है, यानी कि हर एक सेकेंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। सो ये थे हमारे आज के रिलेटेड टॉपिक, जो कि हमारे पास था। एक तो एग्जांपल हमने देखी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, जो कि एग्जांपल डायरेक्टली आफ्टर टॉपिक दी हुई है, आप लोग भी इसको कीजिएगा, मैंने भी करवाई है आपको, आप लोग भी कीजिएगा। और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट लीनियर मोशन की जो इक्वेशन है हमने जस्ट उनका एक रिव्यू लिया है हम लोगों ने। सो हमने पढ़ा रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, आप भी इसको एक दफ़ा बैठ के स्टडी कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप इसको क्वेश्चन कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इसको पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।